तो अब चौधरी रणजीत सिंह का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी से वो रानिया से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चौधरी रणजीत सिंह ने ये भी कहा, उन्होंने अंदेशा जताया कि यदि बीजेपी टिकट नहीं देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी ओर रानिया से मैं बात करूँ, कांग्रेस उम्मीदवार की बात करूँ, सबसे ज़्यादा दावेदारी जता रहे हैं संदीप नेहरा है, वो जगदीश नेहरा के बेटे हैं और उनकी मजबूत दावेदारी देखने को मिल रही है। अच्छा, एक इनेलो पार्टी बड़ी मजबूत है वहाँ पे, INLD का बड़ा मजबूत जराधार है वहाँ पे। INLD ने, मुझे लगता है 100% INLD ने अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। आपका धन्यवाद माँ भाइयों बहनों को। डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि हरियाणा की चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं और हमारे बीच में आज सतीश मेहरा जी मौजूद हैं जो राजनीति की काफी नॉलेज रखते हैं हरियाणा की। और आज हम बात करेंगे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली सभी विधानसभा हलकों के बारे में। सतीश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र सिरसा में पड़ने वाली विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसियों के बारे में। इसके बारे में बताइए, कितनी अपने विधानसभा हलके पड़ते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? देखिए डॉक्टर साहब, जहां तक सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हरियाणा राजनीति में सिरसा लोकसभा क्षेत्र का योगदान रहा है, क्योंकि चौटाला गाँव है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो है ही। चौटाला गांव की अगर मैं बात करूं तो चौटाला गांव में ने आज तक, जब से हरियाणा बना है और आज तक 23 MP विधायक चौटाला गांव ने दिए हैं, जिसमें चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे और कई सांसद उन्होंने दिए हैं चौटाला गांव ने, कई विधायक दिए हैं। आज भी जो हरियाणा का विधानसभा की बात करें तो 5 विधायक सिरसा के चौटाला गांव से हैं, तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा की जो क्षेत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से। तो सिरसा में 9 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र सिरसा डिस्ट्रिक्ट के हैं और 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं फतेहाबाद और एक जींद जिले का जो विधानसभा क्षेत्र है वो पड़ता है। जींद का कौन सा? नरवाना विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना, 5 और 3, 8 और 1, 9 विधानसभा क्षेत्र विधानसभा सिरसा। और मौजूदा समीकरण क्या कह रहे हैं 9 विधानसभा क्षेत्र के? मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो सिरसा में डबवाली से हम शुरुआत करते हैं। डबवाली जो पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पे है, पंजाब का बड़ा प्रभाव है। डबवाली के बारे में कहा जाता है कि एक दरवाज़ा डबवाली का पंजाब में खुलता है तो एक हरियाणा में खुलता है, तो इसे डबवाली के बिल्कुल किनारे पे एक गली, उधर गली से उधर किलियावाड़ी स्टार्ट हो जाती है, गली से इधर हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो डबवाली की राजनीति पर हम बात करेंगे। डबवाली में अभी वर्तमान में अमित सिहाग हैं जो कांग्रेस से विधायक हैं और भी जो चुनाव 1 अक्टूबर को होना है, उस चुनाव के लिए भी मुझे लगता है अमित सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, क्योंकि पहले चुनाव जीत चुके हैं और एक मजबूत उम्मीदवार भी हैं कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से आदित्य देवीलाल चौटाला मजबूत कंटेंडर हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और अगर हम JJP की बात करें, जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय चौटाला का नाम घोषित ही हो चुका है। तो इस प्रकार से डबवाली क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहेगा जहां चौधरी देवीलाल परिवार की आपस में टक्कर रहेगी और बहुत महत्वपूर्ण एक विधानसभा क्षेत्र होगा जहां पे एक ही परिवार के 3 लोग का मुकाबला रहेगा। तो अब डबवाली की आपने बात की है, तो डबवाली में जो पिछले लोकसभा इलेक्शन हुए थे, सबसे पहले हम सिरसा की बात करेंगे। सिरसा में 70% वोटेज पड़ी थी कुमारी शैलजा, क्योंकि जहां तक हम भी पंजाब से बिलोंग करते हैं, लेकिन सिरसा को डेरों की धरती भी कहा जाता है। yes. और डबवाली से कांग्रेस 13,000 की लीड लेकर गई थी, तो उस लीड को आप क्या देखते हो कि ये लोकसभा में, विधानसभा में ये लीड आगे बढ़ेगी? क्या कांग्रेस वाले वो उस लीड को आगे बढ़ा सकेंगे, क्या कम होगी, इसके बारे में बताइए।
क्या कांग्रेस अभी सेफ जोन में है यहाँ पर? लोकसभा चुनाव में जो कुमारी सैलजा जो विधानसभा डबवाली से जीती थी, बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीती थी, और अब मुझे लगता है दिग्विजय चौटाला भी कैंडिडेट जजपा से हैं और आदित्य चौटाला भी बीजेपी से मुझे लगता है सबसे मजबूत दावेदार हैं, और अमित सियाग भी हैं, तो अब देखने वाली बात है, बहुत कम मार्जिन होगा। अब ये भविष्य बताएगा, जो मतगणना ही बताएगी कि कौन जीत सकता है, लेकिन जबरदस्त मुकाबला डबवाली सीट पे होगा। तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी रानिया की हम बात करें, जो डबवाली क्षेत्र के साथ लगती है, रानिया कॉन्स्टिट्यूंसी में फिलहाल जो वर्तमान विधायक हैं रंजीत चौटाला, वो रिजाइन कर चुके हैं अभी, और रंजीत सिंह चौटाला बीजेपी में आ चुके हैं, उन्होंने संसदीय चुनाव जो हिसार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था और वो हिसार से चुनाव हार गए थे। तो अब चौधरी रंजीत सिंह का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी से वो रानिया से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है चौधरी रणजीत सिंह के साथ। चौधरी रणजीत सिंह ने मीटिंग की, जब जो मीटिंग में जो एक सिनेरियो देखने को मिला, चौधरी रणजीत सिंह ने ये भी कहा, उन्होंने अंदेशा जताया कि यदि बीजेपी टिकट नहीं देती है तो वो चुनाव तो डेफिनेटली लड़ेंगे, आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। पहले भी उन्होंने 2019 में भी आजाद चुनाव उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीते थे। तो दूसरी ओर रानिया से मैं बात करूँ, कांग्रेस उम्मीदवार की बात करूँ, कांग्रेस उम्मीदवार जो आज सबसे ज़्यादा जो दावेदारी जता रहे हैं संदीप नेहरा है, वो जगदीश नेहरा जो पूर्व मंत्री होते थे उनके बेटे हैं, और उनकी मजबूत दावेदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि जगदीश नेहरा ने वहाँ से राजनीति की है और वो भजनलाल सरकार में मंत्री भी, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, एजुकेशन जो सिंचाई मंत्री भी रहे हैं, तो अच्छा उनका दावेदारी अच्छी है। तो इसके साथ साथ संदीप सिंह नेहरा के साथ साथ वनित कंबोज हैं, जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस का चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे, हार ही नहीं गए थे बल्कि उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो इसके अलावा है जसवंत कासवा हैं और विशाल शर्मा हैं, कई लोग और कांग्रेस के टिकट पाने के चाहवान हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखते हैं संदीप नेहरा टिकट बाजी मारते हैं या वनित कंबोज मारते हैं या किसी और अन्य को टिकट मिलती है, तो कांग्रेस के तो ये उम्मीदवार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तो चौधरी रणजीत सिंह का दावा है कि चौधरी रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ शिषपाल कंबोज भी भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत कंटेंडर के रूप में आए हैं, आए नहीं बल्कि चुनाव पहले भी लड़ा उन्होंने। तो अगर पिछले बार जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा में गए थे, उन्होंने एक ऐलान किया था, घोषणा की थी कि जो गोपाल कांडा की जो अलोपा पार्टी है उनसे गठबंधन होने की बात की थी। अगर उस पार्टी से गठबंधन, अलोपा से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है, तो ये मान के चलो कि अलोपा के खाते में सीट जाएगी, और अलोपा से कौन सी वाली सीट कह रही हो? रानिया। अच्छा। और हलोपा से मुझे लगता है सबसे मजबूत कंटेंडर जो गोपाल कांडा, उनके भाई गोविंद कांडा है जो भारतीय जनता पार्टी में, आजकल उनके बेटे धवल कांडा का नाम सबसे ऊपर गया है, और धवल कांडा एक मजबूत। तो फिर उस कंडीशन के अंदर जो आपने चौधरी रंजीत सिंह चौटाला का क्या होगा आपने कहा ना, उस कंडीशन का क्या होगा? देखिए इलेक्शन करेंगे क्या वो साथ देंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। देखिए डॉक्टर साहब, अगर हलोपा और उसका भारतीय जनता पार्टी का समझौता होता है, तो ये मान के चलो वो सीट हलोपा के खाते में जाएगी, और हलोपा के खाते में अगर वो सीट चलेगी तो चौधरी रणजीत सिंह का टिकट बीजेपी में मुश्किल है। चौधरी रणजीत सिंह ने के चुनाव तो डेफिनेटली लड़ेंगे, आजाद उम्मीदवार के लड़े के रूप में लड़े या जैसे भी लड़े, चुनाव का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो रानिया से चुनाव लड़ेंगे, तो ये है। अच्छा, एक इनेलो पार्टी बड़ी मजबूत है वहाँ पे, INLD का बड़ा मजबूत जराधार है वहाँ पे, INLD ने मुझे लगता है 100% INLD ने अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया, अभय सिंह के बड़े बेटे अर्जुन चौटाला को, वो कैंडिडेट रानिया से, और वो बहुत जबरदस्त मजबूत कैंडिडेट होंगे, और तीनों कैंडिडेट में जबरदस्त टक्कर होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं डबवाली और रानिया विधानसभा जो सीटें हैं वहाँ पे
ट्रायंगल फाइट होगी, ट्रायंगल फाइट में कुछ भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कालामाली की। कालामाली एक सिख बाहुल एरिया है और आरक्षित सीट है। कालामाली में जो वर्तमान विधायक है वो शिषपाल केरवाला है। अच्छा, शिषपाल केरवाला है और शिषपाल केरवाला के फादर ओम प्रकाश केरवाला ने, उन्होंने सिरसा विधानसभा से पहले चुनाव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो अभी उसके अलावा शिषपाल केरवाला के अलावा कांग्रेस में जो और दूसरे कंटेंडर अब सामने आ रहे हैं, निर्मल सिंह मल्लड़ी हैं। निर्मल सिंह मल्लड़ी का भी अच्छा, ये आपने जो विधानसभा वाइज हमें बता रहे हो, तो अभी टिकटें तो घोषित हुई नहीं अभी। टिकटें घोषित नहीं हुई, टिकटें होने के बाद पिक्चर क्लियर होगा ना। हाँ, क्या होगा? आप हमें ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो सिरसा, अब हम बात करेंगे ये 9 विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी सुरक्षित घेरे में आ रही है, ये बताइए दर्शकों को। जैसे लोकसभा का इलेक्शन था, वहां पर कुमारी शैलजा जी बहुत बड़े मार्जिन से जीत कर गई। अगर हम लोकसभा के हम देखें चुनावी प्रतिशत देखें, उसके हिसाब से देखें, जो आपने एरिया बताए हैं वहां से कांग्रेस लीड लेकर गई है। सिर्फ आपके नरवाना से 13, डबवाली से 13,000 की लीड गई, नरवाना से 15,000 की लीड गई, और उसके बाद जो फतेहाबाद है वहां से, उसके अलावा सारी लीडें 35-35,000, 36-36,000 है जी। ये फिर आपको लगेगा नहीं कि ये अगली, हमें ये बताइए कि कौन कौन सी सीटें जो इस वक्त सेफ जोन में कांग्रेस के लिए आ रही हैं। डॉक्टर साहब देखिए, मैं सिरसा की स्पेशल बात करूँ। हाँ जी, तो जो संसदीय चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, सिरसा क्या पूरे हरियाणा में बाइपोलर चुनाव था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर थी। लेकिन इन दोनों सीटों के बारे में जो मैंने बात की है ना, अच्छा, ये ट्रायंगल फाइट होगी और ट्रायंगल फाइट में आप समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, तीसरी पार्टी को वोट कटवा पार्टी नहीं होगी। तीसरी पार्टी अगर इसमें है तो मुकाबले में, ट्रायंगल में कौन कौन सी पार्टी मुकाबले में है? ट्रायंगल में, ट्रायंगल में रानिया में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या हलोपा और इनेलो, चार हो गए ना इनेलो। हाँ जी ठीक, मतलब भारतीय जनता पार्टी या हलोपा का समझौता होता तो उसमें से एक ही कैंडिडेट होगा। अच्छा, और ट्रायंगल फाइट, अच्छा तब कह रहे हो, इसलिए हम कह रहे हैं अलग अलग हो, इसलिए बढ़ती है। इसी प्रकार से हमने तीनों मजबूत कैंडिडेट है वहाँ पे, जो डबवाले की बात की थी, तीनों मजबूत कैंडिडेट है, ट्रायंगल फाइट है। हाँ, वो भी थोड़ी सेफ हो सकती है, 13,000 कुछ ज्यादा बड़ी नहीं, उसमें कुछ भी हो सकता है। अब मैंने आपको कहा था कि टोहाना में तो बहुत बड़ी लीड मार्जिन से जीतते हैं वहां पर। अब मैंने आपको कहा था कालामाली की हम बात करें, कालामाली की तरफ बढ़ते हैं। तो कालामाली में फिलहाल जो वर्तमान में विधायक है शिषपाल केरवाला, कांग्रेस से विधायक है, और जो अभी टिकट की दावेदारी की बात है, शिषपाल केरवाला के साथ साथ वहां पे निर्मल सिंह मल्लड़ी का भी दावा है कि वो उम्मीदवार कांग्रेस के हो सकते हैं, वो टिकट कांग्रेस उनको देगी। निर्मल मल्लड़ी के साथ साथ लोगों का ये भी मानना है कि कुमारी शैलजा वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। अच्छा, उनकी भी नजरें, तो फिर वो वहां से क्यों लड़ेगी? वो प्रभुवाला से क्यों, उधर से कुलाने से क्यों नहीं लड़ सकती? जो कि कुलाना उनका होम क्षेत्र है, प्रभुवाला गांव, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इसलिए लड़ेंगी कि लोकसभा, सिरसा लोकसभा से वो तीसरी बार सांसद बनी है, वो बात बिल्कुल। और उनके जो जो उनका उनका उनकी जो पारंपरिक सीट है, उनके उनकी फादर भी 2-3 बार। हाँ डॉक्टर साहब, तो हम कालावाली विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे थे। कालावाली विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं शिषपाल केरवाला हैं। शिषपाल केरवाला अपने आप को एक मजबूत कंटेंडर अभी भी मानते हैं, और उनकी जो टिकट की दावेदारी है वो कहीं कहीं मजबूती दिखाती भी, क्योंकि हुड्डा गुट का भी विश्वास प्राप्त है उनको, और शैलजा से भी कहीं ना कहीं विश्वास उन्होंने पिछले। आपने अभी हुड्डा गुट का बात की है, अब मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा, सॉरी आपकी बात टोक रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जो शैलजा पूर्ण रूप से हावी है सिरसा में, तो आपको यही लगता कि टिकट वितरण के अंदर उनकी मंजूरी जरूर लेगी हाईकमान? डेफिनेटली, उनको इग्नोर नहीं कर सकती, डेफिनेटली, क्योंकि इस एरिया में तो पूरी शैलजा की चलेगी ना जी वहां। डेफिनेटली, हाँ जी, ये आपकी बात मानने वाली बात, आपने कहा हुड्डा ग्रुप, वो कहां तक हो सकती है? यस। मैंने आपको शिषपाल केरवाला के बारे में बताई। शिषपाल केरवाला ने जो अप्लाई किया, उसकी अगर वहां पे हाईकमान में चर्चा होती है तो शैलजा भी उस पे ना नहीं करेगी, और न्यूट्रल है, न्यूट्रल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ना नहीं करेंगे, न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों का विश्वास, वो मुझे लगता है विश्वास जीता है शिषपाल केरवाला, इसलिए उसको मजबूत उम्मीदवार कैंडिडेट मानते हैं। अच्छा, आपने अभी बात की थी कि शैलजा जी MLA का इलेक्शन लड़ सकती हैं, वो बात क्लियर, लोगों में चर्चा है। अच्छा,
जो कालांवाली के लोगों में ये भी चर्चा की, अब की बार शैलजा भी विधानसभा का चुनाव कालांवाली या रतिया की, फिर बाद में बात करेंगे रतिया, और इसमें भी क्या नाम उकलाना की भी सुनने में आ रही है, लेकिन वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है, कालांवाली के लोगों का ऐसा मानना है कि शैलजा विधानसभा का चुनाव कालांवाली से भी लड़ सकती है। तो आपको लगता नहीं अगर शैलजा जी खुद चुनाव लड़ेंगी तो पीछे से पार्टी को सेटबैक हो सकता है उस एरिया में? क्योंकि क्योंकि मेरे अगर एमपी होते हुए चुनाव नहीं लड़ती तो अपनी पूरी फोर्स के साथ जो अपने कैंडिडेट जिनको टिकटें मांग रही हैं उनको जिताने में मदद करेंगी, नहीं तो अपने एरिया तक सीमित रह जाएंगी। आपको लगता नहीं हाईकमान इसके बारे में सोचेगा कि आप एमपी बने रहो, कोई बात नहीं, आप अपने एमएलए निकाल शैलजा लो? अगर चुनाव लड़ेंगी तो वो बिल्कुल सुरक्षित सीट मान के चल लड़ेंगी। वो शैलजा भी सुरक्षित है ना जी? हाँ हाईकमान तो ये भी कह रहा है ना कि आप अपनी सीट सुरक्षित करो, औरों को जिताओ, तो उसमें औरों को जिताने की जो बात होगी उसमें आपको लगता नहीं कि कमी थोड़ी रहेगी उनमें? कुमारी उस फोर्स से शैलजा, आप नहीं काम कर सकेंगे? कुमारी शैलजा जब जहाँ से भी टिकट विधानसभा के लिए टिकट लेके आती हैं तो मुझे लगता है उनके लिए कोई खास डायरेक्शन हाईकमान की तरफ से नहीं होगी, क्योंकि वो बड़ी सुलझी हुई और बड़ी क्या नाम एक एक्सपीरियंस्ड राजनीतिज्ञ हैं, वो आसपास के क्षेत्रों का भी फायदा उनको कांग्रेस को मिलेगा, कर सकती हैं? कर सकती हैं। दूसरी अच्छा, बात है, चलिए जो कालांवाली की हम बात कर रहे थे तो इनका एक और उम्मीदवार इनके कांग्रेस पार्टी से निर्मल मलड़ी हो सकते हैं उम्मीदवार, मजबूत दावेदारी है उनकी भी और लोकप्रिय भी इलाके में। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी वहां से अच्छा कैंडिडेट दे सकती है। आप हमें ये बताइए, भारतीय जनता, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के बारे में दो कैंडिडेट वहां पे हैं, बलकौर सिंह जो पहले विधायक रह चुके हैं, सिख कम्युनिटी से आते हैं वो, और सिख वोट सबसे ज्यादा, मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे ज्यादा सिरसा में अगर सिख वोट है तो कालांवाली में, और ठीक इसके अलावा राजेंद्र देसूजोदा है, जी पिछली बार चुनाव लड़ा था, बड़े अच्छे चुनाव अच्छे उन्होंने गेन किए थे, वो पार्टी भी ज्वाइन किया अभी थोड़े दिन पहले हासिल किया था, यस, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, हाँ इसलिए दोनों पार्टियों के अच्छे उम्मीदवार वहाँ पे आएंगे। और फिलहाल जो वहाँ पे कांग्रेस का जो कैंडिडेट उम्मीदवार एमएलए है उसका कितना फायदा वो ले पाते हैं या भारतीय जनता पार्टी कितना फायदा सिख बेल्ट में ले पाती है वो देखने वाली बात। तो आपने ये बात, अब हमें वो एरिया बताइए थोड़ा सा जो नरवाना की साइड पे आते हैं, जो दूसरी सतहें लगती हैं, नरवाना हो गया, फतेहाबाद भी जो एरिया है ना, उस एरिया के विषय बताइए, उधर क्या होगा? टोहाना, टोहाना में बहुत बड़े बल्क मार्जिन से वो शैलजा जी जीत कर गए हैं, लीड लेकर गए हैं, और सबसे बड़ी बात है जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो लोकसभा में, लोकसभा और विधानसभा के बीच में कोई ऐसा आंदोलन भी नहीं हुआ कि जिससे ये इम्पैक्ट पड़ सके शैलजा की जो वोटिंग परसेंटेज वो डाउन हो। और आपको बता दें कि 24% कांग्रेस वहां से वोट गेन करके गई है जी। और सबसे अच्छा एक बात एक और पूछना चाहते हैं, डॉक्टर वो साहब, आपने कहा ना एक किसान बार, किसान आंदोलन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस एरिया में, ये भी बताइए। एक बार हम जब विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो की है तो इलाहाबाद भी ले लें और उसके बाद फिर आएंगे हम ना, फतेहाबाद वो में, ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फतेहाबाद नहीं, में नहीं, आएंगे। हाँ वो हम लेंगे, लेकिन पहले क्लियर तो हो जाए ना, ये अनाउंस तो किसी ने नहीं किया अभी तक, अनाउंस किसे, हम तो अनुमान लगा रहे हैं, अगर हम अनुमान लगा रहे हैं वो भी लेंगे, लेकिन आप हमें ये बता दीजिए कि अभी कोई आंदोलन नहीं हुआ उसमें जो आपको लगता नहीं कि शैलजा की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होगी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में, इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई अभी तक कोई वो कोई आंदोलन भी हुआ ना कुछ हुआ है, तो आपको लगता है कांग्रेस अपने 24% जो वोट लेकर गई है उसमें सेटबैक ये कर सकेंगे ये लोग, ये बताइए। देखिए किसान आंदोलन का सिरसा में बड़ा प्रभाव रहा था लोकसभा क्षेत्र में भी, और आगे भी किसान आंदोलन का प्रभाव रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि सिरसा एक ऐसा संसदीय क्षेत्र और विधान संसदीय क्षेत्र है जहाँ पे बाईपोलर चुनाव पहले हुआ था, और अभी चुनाव कई उसमें कई सेगमेंट उसमें क्या नाम है बाईपोलर ना होके मल्टीपोलर पोलर भी चुनाव हो सकता है, इसलिए वहाँ की अब सिनेरियो अलग निकल के आएगा, तो इसलिए यानी आपके कहने का मतलब है जहां पर बाइपोलर होगा वहां पर कांग्रेस आएगी, जहां पे मल्टीपोलर होगा वहां पर दूसरी पार्टियां दूसरी निकल जाएंगी, पार्टियां कोई भी आ सकती है वहां पे, किसको क्या फायदा होगा, ट्रायंगल फाइट में तो कोई भी पार्टी जीत सकती है, यानी भविष्य के गर्भ में अभी जो बात है। अच्छा जी, तो अब हम इलाहाबाद की बात करते हैं डॉक्टर साहब, इलाहाबाद में बड़ी बड़े मजबूत कैंडिडेट होंगे, आपको पता ही है इनेलो से डिक्लेयर्ड है कैंडिडेट, चौधरी अभय सिंह कैंडिडेट होंगे इनेलो का, और इन्हें वो अभी पीछे आप भी क्या वर्तमान में विधायक भी हैं और 2019 में विधायक बने थे, बीच में किसान आंदोलन के चलते उन्होंने रिजाइन किया था, फिर दोबारा फिर बन गए, हाँ बिल्कुल दोबारा फिर वो विधायक बने हैं, हाँ जी हाँ जी, तो उनकी बड़ी मजबूत दावेदारी है, दावेदारी क्या कैंडिडेट एनएलडी से कैंडिडेट नो डाउट डिक्लेयर्ड है। तो इसके दूसरी ओर है कांग्रेस से कैंडिडेट हो सकते हैं भरत सिंह बेनीवाल हो सकते हैं, अच्छा भरत सिंह बेनीवाल हो सकते हैं, पवन बेनीवाल हो सकते हैं,
और संतोष बेनीवाल हैं, और तीनों ही एक ही गांव से आते हैं, अच्छा जी, तीनों ही दड़बा गांव से आते हैं। अच्छा। और कांग्रेस के लिए टिकट, कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं ये। तो जहां तक भरत सिंह बेनीवाल की बात करें तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी नज़दीकी मानते हैं अपने आप को, पवन बेनीवाल भी और संतोष बेनीवाल अपने आप को शैलजा कुमारी शैलजा के नज़दीकी मानती है। यानी यहाँ पर ग्रुप हो सकता है, हाँ यहाँ पे हो सकता है। अभय चौटाला सुरक्षित आज की डेट में लग रहा है, पर मीनू बेनीवाल कहाँ से खड़े हैं? अभय चौटाला, मीनू बेनीवाल का मैं बताता हूँ, वो कहाँ से है? हाँ, मीनू बेनीवाल का भारतीय जनता पार्टी से मीनू बेनीवाल का, हाँ, तो उनके आने से होगा कुछ? हाँ, मीनू बेनीवाल भी अच्छी अच्छी, क्योंकि वोटिंग, हाँ, उनका भी अच्छा सूख है, अच्छे कैंडिडेट है। मीनू फाइट देने, मीनू बेनीवाल के अलावा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अमीर चंद मेहता भी बड़े अच्छे दावेदार हैं, वो संगठन में काम भी कर चुके हैं। और अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मीनू बेनीवाल के अलावा किसी और को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है तो गोविंद कांडा वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। गोविंद कांडा ने जो पीछे चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, बहुत जबरदस्त तरीके से गोविंद कांडा ने चुनाव लड़ा था और बहुत कम मार्जिन से अभय सिंह जीत पाए थे। इसलिए इसलिए एक मिनट, इसलिए जो इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ भी ट्रायंगल फाइट होगी। ट्रायंगल फाइट में कौन जीत सकता, पहले भी ऐसे हुआ था, और वहां से अभय सिंह और उसके गोविंद कांडा के बीच में जबरदस्त टक्कर होगी। और तीसरा कैंडिडेट भरत सिंह बेनीवाल भी कम, पवन बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल अगर कांग्रेस से कैंडिडेट होते हैं वो भी कम नहीं। तो इसलिए तीन, इस जो मैं इलाहाबाद क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वहां भी ट्रायंगल फाइट होगी। तो मुझे एक चीज बताना, अगर भरत सिंह बेनीवाल को कांग्रेस सीट देती है, हाँ, मीनू बेनीवाल को देती है बीजेपी, तो आपको लगता नहीं कि अभय चौटाला सुरक्षित होगा उसमें? बेनीवाल बोर्ड जो है प्राइवेट होगी, बेनीवाल के बोर्ड के अलावा जो 45 है वहां पे एक खाप है 45, उसमें जाट वोट ज्यादा है, लगता जाट है? जाट वोट डाइवर्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। और अभी जो कल्चर रहा है उनका वहाँ का, वो चौधरी देवीलाल के समर्थक लोग ज्यादा रहे और अभी भी उस लेगेसी पे को मानते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे अभी तक मैं कह सकता हूँ के चौधरी अभय सिंह चौटाला भारी, आगे आगे चल रहे हैं, मतलब कॉम्पिटिटर भारी, वो तो कैंडिडेट घोषित पार्टी। तो उसके अलावा हम सिरसा की बात करते हैं, सिरसा शहर की बात करते हैं। सिरसा बहुत ही इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे गोपाल कांडा जो पीछे है ना हलोपा से विधायक हैं और वर्तमान में विधायक हैं। तो अभी बीजेपी से हलोपा से यही सीट उनको, इससे पहले भी आजाद विधायक के रूप में चुनाव लड़ा, जीते भी हैं। सिरसा से ये कांग्रेस किसको टिकट दे सकती है ये देखने वाली बात है। कांग्रेस अगर, कांग्रेस में दो तीन उम्मीदवार अच्छे उम्मीदवार, यानी कहने का मतलब ये सीट है हलोपा की जहाँ बीजेपी की हो सकती है, मतलब जो होल्ड है ये हम कह सकते हैं। आगे चलिए, आगे सिरसा की हम बात कर रहे थे। सिरसा में जो, सिरसा में पिछली बार बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ था। अच्छा, गोपाल कांडा हलोपा से थे और गोकुल सेतिया हैं जो आजाद उम्मीदवार के उपचुनाव लड़ा, हाँ, वो काफी वोटें लेकर गए थे। वो इनका हार जीत का 600 वोटों का हार जीत का, अच्छा, ज्यादा मार्जिन से जीते, 600 कुछ वोटों से गोपाल कांडा चुनाव जीते, ज्यादा मार्जिन से, ज्यादा मार्जिन नहीं रहा था। अब आगे रतिया, ज्यादा मार्जिन नहीं रहा था। और अगर इसमें कांग्रेस की बात करते हैं तो हम सिरसा में कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वीरवान मेहता है, राजकुमार शर्मा है, और उन वीरवान मेहता के बेटे राजन मेहता भी हैं। नवीन केड़िया ने पीछे चुनाव लड़ा था, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो इसलिए अगर मुझे लगता है कांग्रेस अभी कोशिश में है गोकुल सेतिया को अपने पाले में लाने के लिए, कांग्रेस में मिलाने के लिए, और गोकुल सेतिया का भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। अगर गोकुल सेतिया कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और उधर गोपाल कांडा होंगे तो बहुत जबरदस्त टक्कर वहां पे देखने को मिलेगी और ताजुब नहीं होगा कि कौन बाजी मार सकता है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो अगर गोकुल सेतिया कांग्रेस से आते हैं तो नो डाउट। तो हाना के बारे में बताइए आप। हाँ डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा, टोहाना जो विधानसभा क्षेत्र है वो जो फतेहाबाद जिले में पड़ता है। और टोहाना की हम बात करें तो टोहाना में पहले जो चुनाव जीते थे देवेंद्र बबली जीते थे, जसपा से जीते थे, और अभी जसपा से उन्होंने रिजाइन कर चुके हैं, और रिजाइन करने के बाद वो अब भी चुनाव लड़ने के इंटरेस्टेड हैं, कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। और कांग्रेस उनको टिकट दे पाती है ना दे पाती है वो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस के जो टिकट प्रत्याशी हैं, जो टिकट मांगने के उसमें लाइन में खड़े हैं, वो
देवेंद्र बबली के साथ साथ रणधीर हैं, रणधीर के साथ साथ सरदार निशान सिंह है, सरदार निशान सिंह जो पहले जसपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो प्रधान जसपा के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष जसपा के स्टेट स्टेट प्रधान रहे, स्टेट प्रधान रहे, ठीक कहा आपने, यस करेक्ट किया आपने। तो निशान सिंह एक सिख समुदाय से आते हैं और सिख समुदाय भी काफी वोटर है वहाँ पे टवाना में है, इसलिए उनका भी दावा मजबूत बनता है कि वो कांग्रेस उनको टिकट देगी। और इसके साथ साथ बीजेपी की हम बात करते हैं, बीजेपी को मुझे लगता है बीजेपी को कैंडिडेट ढूंढने में वहाँ पे मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बीजेपी अब की बार बीजेपी जो राज्यसभा में सांसद सुभाष बराड़ा हैं उनको टिकट दे सकती है, उनको विधानसभा में चुनाव के लिए उतार सकती है। ये आप बड़ी बड़ी एक विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली है कि सुभाष बराड़ा भारतीय जनता पार्टी के टवाड़ा से कैंडिडेट हो सकते हैं। तो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है वहां पर? बीजेपी का कैंडिडेट है लेकिन इतने मजबूत कैंडिडेट, अच्छा मजबूती की बात है। हाँ, एक अच्छा, फिर तो नगर परिषद के जो है ना चेयरमैन है मिस्टर सिंगला है, अच्छा, वो अच्छा, वो कैंडिडेट हो सकते हैं लेकिन उस लेवल का मतलब हाँ, मतलब नहीं मतलब, लेकिन जो मजबूत जो कैंडिडेट हो सकते हैं संगठन की तरफ से सुभाष बराड़ा को वही उपयुक्त है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि मजबूत कैंडिडेट होंगे। तो दूसरी आगे आते हैं हम फतेहाबाद की तरफ, फतेहाबाद में कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के जो है ना टिकटार्थी भी बहुत हैं और इसी तरह बीजेपी में भी बहुत टिकटार्थी हैं। कांग्रेस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है बलवान सिंह दौलतपुरिया और प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जो विधायक रहे हैं, प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा खुद भी कांग्रेस की टिकट चाहते हैं, अगर प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा को टिकट नहीं मिलती तो अपने बेटे जो आनंदवीर गिलाखेड़ा है उनको टिकट दिलवाने में के प्रयास में है। तो इसके अलावा विनीत पुनिया हैं जो कांग्रेस सचिवालय उसमें हाई उसमें क्या नाम AICC में मीडिया का भी देखते हैं, AICC में सचिव के पद का पद उन्होंने उनको दिया हुआ है, तो विनीत पुनिया भी एक मजबूत दावेदार कांग्रेस की तरफ से। इसी तरह से डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच पिछली बार बहुत नजदीकी चुनाव से वो हारे थे और उन्होंने डॉक्टर अच्छा बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा था, तो इसलिए कांग्रेस सीन में से किसी को भी टिकट दे सकती है। और जो अगर हम बात करेंगे तो पिछली बार किसने ज्यादा वोट गेन किए थे तो वीरेंद्र सिवाच का नाम सबसे अच्छा था। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी कई वहाँ पे कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी से अब दूढ़ाराम जी है जो MLA विधायक है, उनकी मजबूत दावेदारी है टिकट, भारतीय जनता पार्टी उस उनपे दाव खेल सकती है दोबारा फिर। उसके अलावा भारत भूषण है और वेद फुल्ला हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के फतेहाबाद में कई कई जो है यानी टोहाने जैसा हाल नहीं है यहाँ पर। हाँ, कई दावेदार अच्छा, टोहाना जैसे हाल नहीं है। अच्छा, तो फतेहाबाद कर्तिकुल सिंह अच्छा, उनके पास भी अच्छे कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के पास भी और भारतीय जनता पार्टी के पास। अब आते हैं रतिया में, रतिया जो RSS सीट है सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली और फतेहाबाद जिले की एकमात्र RSS सीट है रतिया। अच्छा, रतिया में भी अच्छे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पास है और इसी प्रकार कांग्रेस के पास है। रतिया में सबसे पहला नाम आ रहा है सुनीता दुग्गल जो MP थे पहले, जो सिरसा से MP रहे हैं और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, अब वो चुनाव लड़ने की इंटरेस्टेड है रतिया से और भारतीय जनता पार्टी रतिया से उनको टिकट दे सकती है। उससे पहले भी उन्होंने रतिया से चुनाव लड़ा हुआ है, चुनाव हार गई थी वो, लेकिन अभी फिर भारतीय जनता पार्टी सुनीता दुग्गल को टिकट रतिया से दे सकती है। इसके अलावा वहाँ से अशोक तंवर भी इंटरेस्टेड है, अशोक तंवर तो पीछे लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का अगर इधर से अशोक तंवर मिलकर शैलजा ने कह दिया मैं यहाँ पर फिर आ रही हूँ, फिर क्या होगा, फिर वही रिपीट होगी लोकसभा वाली। डेफिनेटली शैलजा के लिए कई सीटें अगर आ सकती है वो भी, कई सीटें वो कहीं मैं यहाँ पर फिर आ गई, बिल्कुल कई सीटें सेफ है शैलजा के लिए, शैलजा की उन दो तीन तीन चार सीटों में से कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। और लोगों का मानना भी है, कयास लगा रहे हैं लोग कि यहाँ से भी हो सकते हैं, यहाँ से हो सकती है। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं कि अशोक तंवर भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो वर्तमान में विधायक हैं लक्ष्मण नापा, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट है, उसके टिकट किस बिना पे काटेगी ये तो क्लियर करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वर्तमान में विधायक देना पड़ता ही ना, वर्तमान विधायक है। तो इसलिए यहाँ भी एक अच्छा, कांग्रेस की हम बात करते हैं,
रतिया से कांग्रेस के पास जरनैल सिंह, जो पहले एमपी थे अकाली दल से, वही जरनैल सिरसा से विधायक रहे ना, पहले एमपी भी रहे हैं जो? नो नो, अच्छा अच्छा जरनैल सिंह विधायक रहे हैं, कांग्रेस से विधायक रहे। अच्छा जी, जरनैल सिंह मजबूत जो है ना, मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, मजबूती उनका दावेदारी मजबूत हो सकती है रतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में। तो ये मोटा मोटी ये जो सिरसा और रतिया हमने बात की है फतेहाबाद जिले के विधानसभा क्षेत्रों की। अब एक विधानसभा क्षेत्र नरवाना जो जींद जिले में पड़ता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र सिरसा में पड़ता है। अच्छा, नरवाना क्षेत्र में इनेलो समर्थक काफी वोटर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और तब से ही इनेलो का प्रभाव नरवाना के वोटर में, जाट बाहुल्य सीट है। अच्छा, और नरवाना में आरक्षित सीट है, तो आरक्षित सीट है, जाट बाहुल्य सीट है, सीट आरक्षित सीट है। फिर ये कैसे हो सकता है अगर जाट बाहुल्य सीट है आरक्षित होगी? नहीं, वो तो वो अलग बात है, वो पैरामीटर अलग होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, जो आरक्षित करने के जो पैरामीटर होते हैं ना, वो ये देखा जाता है कि एससी वोटर कहाँ ज्यादा हैं दूसरे इलाकों की बजाय। अच्छा, ये नहीं देखा जाता कि जाट वोट ज्यादा है या एससी वोट ज्यादा है। अच्छा अच्छा, दूसरे इलाकों की बजाय वो पैरामीटर अलग है। हाँ, वो पैरामीटर अलग है, तो इसलिए आरक्षित सीट है वो। हाँ, तभी मैंने, तो नरवाना से की हम बात करें तो कांग्रेस की जो टिकट के लिए ऑनलाइन सबसे आगे लाइन में वो विद्यारानी, हालांकि दो बार चुनाव हार चुकी है। अच्छा, दो बार कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जो नरवाना से चुनाव हार चुकी है, और वो जो रणदीप सुरजेवाला के नज़दीकी अपने आप को मानती है, उधर से कहीं कहीं उसका भी, कुमारी शैलजा का विश्वास उन्होंने जीता है। तो इसके विद्यारानी के अलावा है ना, वहाँ पे और कहीं कई उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। सतबीर दबलैन की मजबूत दावेदारी है, और ईश्वर सिंह पिखेवाड़ा है, वो भी एक कांग्रेस कैंडिडेट की जो उम्मीदवारी की लाइन में लगे हैं। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की अगर नरवाना से बात करें तो राम निवास सोजाखेड़ा, जिन्होंने पिछली बार 2019 में जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था और विधायक बने थे, विधायक, और जननायक जनता पार्टी से उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है और भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। मुझे लगता है शायद कहीं कहीं हो सकता है वो टिकट के नज़दीक पहुंच चुके हैं, रामनिवास सोजाखेड़ा पे दाव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी ओर जैसे मैंने पहले बताया, आईएनएलडी का अच्छा वोट बैंक पहले रहा है, आईएनएलडी की तरफ से जो पिछले जो लोकसभा चुनाव में संदीप लोट हैं जो इंजीनियर थे पहले, उन्होंने रिजाइन करके लोकसभा चुनाव आईएनएलडी की टिकट पे सिरसा से लड़ा था, अभी आईएनएलडी उनको नरवाना विधानसभा से चुनाव लड़वा सकती। ये मोटा मोटी हमने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की बात की है, और जो मैंने बताया कि 9 विधानसभा क्षेत्र सिरसा लोकसभा के अंदर पड़ते हैं, जिसमें सिरसा एक ऐसा, मुझे लगता है एक ऐसा अकेला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 2 सुरक्षित क्षेत्र हैं, 2 सुरक्षित क्षेत्र, और सिरसा राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, बोल रहा है जैसे हमने चौटाला। अच्छा, कि आप सिरसा की हमने बात की है तो डेरा सच्चा सौदा की क्या भूमिका रहेगी? हाँ, ये बड़ा वाजिब आपने अच्छा क्वेश्चन आपने किया, डेरा सच्चा सौदा की बात करें, सिरसा डेरों की धरती कहा जाता है सिरसा में, सिरसा में कई डेरे हैं, डेरा सरसाई नाथ है, डेरा तारा कुटिया भी है ना, तारा बाबा कुटिया है, और धंधन सदगुरु का है, वो है सदगुरु मित्र राम रहीम का डेरा है, डेरा जगमालवाड़ी, तो उनका योगदान क्या होगा, भूमिका होगी? हाँ, देखिए डेरा की जहाँ तक हम बात करते हैं तो बाकी डेरे, ये धंधन सतगुरु डेरा सच्चा सौदा को छोड़ के बाकी जो डेरे हैं न्यूट्रल रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है न्यूट्रल रहे हैं, और ये कहीं कहीं राजनीति को प्रभावित करते हैं, जो सिरसा का डेरा सच्चा सौदा है ये राजनीति को प्रभावित करता है। और जो अब फिलहाल की हम बात करें तो
जैसे गुरमीत राम रहीम सिंह जेल में आए तो पैरोल फंडो दी गई है, तो वो कहीं ना कहीं लोग मानने लगे हैं कि दूसरी पार्टी के लोग कि उन्होंने ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए उस डेरे के समर्थकों को अपने पक्ष में लाने के लिए उनको फंडो फंडो दी गई। बाकी ये देखने वाली बात है उनको कितना फायदा होता है, डेरा समर्थक किन किस पार्टी की ओर जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि डेरा समर्थक भारतीय जनता पार्टी को ये पक्ष में वोट कर सकते हैं। तो भाई बहनों, आपने देखा कि आज हमने सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली एक एक विधानसभा के बारे में डिस्कशन की, और हमारे बीच में सतीश मेहरा जी ने आपको एक प्रतीक बाई बताया, और मुझे लगता है कि अब इनकी बातचीत के बाद आपके मन में कोई संशय डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी जो होगा भविष्य के गर्भ में होगा, जो भी फ्यूचर में होगा, कौन कौन से उम्मीदवार आएंगे, अगली बार फिर हम एक विशेष चर्चा के साथ इनके साथ आएंगे। मेहरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।